कल एक और बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। पिछले दिनों हमने आपको संतूर होटल से जुड़ी हुई एक खबर दिखाई थी। खबर यह मिल रही है कि संतूर होटल के कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई पर 3 सप्ताह की रोक हाई कोर्ट की तरफ से लगा दी गई है। कर्मचारियों ने काम करने देने की अनुमति मांगी थी, याचिका भी गई होटल के कर्मचारियों की तरफ से। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने जब ये फैसला दिया है तो संतूर होटल को सील कर दिया गया था। अब कर्मचारी काम कर सकते हैं, यानी काम करने की अनुमति मांगी गई थी, 3 सप्ताह की रोक लगाई थी। अब हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला आया है कि 3 सप्ताह तक हम रोक लगा रहे हैं। संतूर होटल के कर्मचारियों की तरफ से हमारे साथ बातचीत भी की गई थी, गुलिस्तान न्यूज की तरफ से बातचीत खासतौर पर की गई, और उन्होंने अपने दर्द को सामने रखा, प्रदर्शन भी किए गए संतूर होटल के कर्मचारियों की तरफ से, कर्मियों की तरफ से। लेकिन अब कहीं ना कहीं संतूर होटल के कर्मियों को राहत मिलती हुई नजर आई है। और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के अंदर जब ये मामला गया तो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की तरफ से कह दिया गया कि जो कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई है उसे 3 सप्ताह तक किसी भी हाल में रोकिए, और ऐसा ही हुआ। और कहा जाता है कि जो कर्मचारी काम करने की अनुमति मांग रहे थे उसको लेकर याचिका डाली गई थी। हालांकि संतूर होटल को सील करने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद ये ताजी जानकारी हमने आपको दी थी। लेकिन फैजल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। फैजल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फैजल, क्या जानकारी देंगे? जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का फैसला आता है, मामला क्या था, और इस वक्त कर्मचारी क्या खुश हैं? क्योंकि कहा जाता है कि कर्मचारी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई 3 सप्ताह तक तो बिल्कुल नहीं होगी। अगर हम देखिए संतूर होटल की बात करें तो काफी टाइम से स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लीज पे दिया था होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, लेकिन उसके बाद अचानक अभी लीज टाइम उसका खत्म भी नहीं हुआ है तो स्टेट गवर्नमेंट ने उसको वापस ले लिया। और जो कंडीशन लीज के दौरान की गई थी, स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि जो होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने उन कंडीशन की वायलेशन की है, क्योंकि हमने इनको सेंट्रल होटल दिया है लेकिन उन्होंने फिर इसको थर्ड पार्टी को दिया है जो कि लीज कंडीशन की खिलाफ वर्जी। और फिर स्टेट गवर्नमेंट ने यह फैसला किया था कि सेंट्रल होटल हम वापस लेके टेक ओवर करेंगे, लेकिन इसमें मसला आ रहा था कि वो बिल्डिंग तो टेक ओवर कर रहे थे लेकिन जो वहां पे मुलाजमीन है 160 काम कर रहे उनको वो टेक ओवर नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका जो वो वहां से काफी सालों से काम कर रहे थे तो उनको वहां से बाहर निकाला जा रहा था, और उनको वहां से निकाला भी गया और उनको कहा गया आप इलीगली इस होटल में हो क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने वापस ले लिया है और आपको यहाँ पर काम नहीं मिलेगा। तो उसके बाद सेंटूर एम्प्लॉयज जो है उन्होंने लगातार प्रोटेस्ट किए और हर किसी दरवाजे पे गए और उन्होंने अपनी इंसाफ मांगा, अपनी नौकरी मांगी, और यहाँ तक कि वो हाईकोर्ट के पास भी गए तो हाईकोर्ट फैसला आया है कि इनको आप वापस जो है सेंट्रल होटल में भेजिए, वहां पे मामूल के मुताबिक अपना काम करेंगे, जहां जहां जो जो जिसके पास जो जो पोस्ट है वो उसमें काम करेगा। लेकिन जैसे ही वो कल सेंट्रल होटल पहुंचे थे वहां पर उनको पुलिस ने अलाउ नहीं किया, उनको कहा गया है कि आपको अभी एंट्री नहीं मिल सकती क्योंकि आपको पहले यहां से निकाला गया है। उसके बाद उन्होंने जो है कोर्ट की कॉपी जो है वो जेडी डिपार्टमेंट के पास भी रखी थी, डिवकॉम के पास भी रखी थी, बाकी जो आला अधिकारी है जम्मू कश्मीर के उनके पास वो गए थे। तो आज वो एक बार फिर से संतूर होटल गए थे, जो कि संतूर एम्प्लॉयज यूनियन के आला अधिकारी है वो गए थे वहां पर, लेकिन उनको आज एक बार फिर से वहां अलॉट नहीं किया गया। और एसएसपी श्रीनगर वहां पे पहुंचे थे तो उन्होंने उनको कहा कि आप एडीसी से बात किए, लेकिन जब उन्होंने एडीसी से बात की तो एडीसी ने कहा कि हम इस ऑर्डर को नहीं मानते हैं, कि ये संतूर एम्प्लॉयज का कहना है कि एडीसी साहब ने उस ऑर्डर को नहीं माना जो कि पूरी तरह से कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ पर जाकर थे। कोर्ट ने कहा है कि बिल्कुल सही, इन एम्प्लॉयज को वापस संतूर होटल में आप ले जाइए, इनको अपनी अपनी नौकरियां दीजिए क्योंकि ये काफी सालों से वहां पे काम करते, उन्होंने अपना प्राइम टाइम, अपना जिंदगी का कीमती वक्त उन्होंने होटल को दिया है, लेकिन अब ये कहां पर पहुंचे। लेकिन बदकिस्मती की वजह से आज एक बार फिर उनको होटल में एंटर करने की इजाजत नहीं दी गई। जी हरीश, बिल्कुल। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं, क्या आगे आने वाले समय में यह संघर्ष जारी रहेगा? क्योंकि अभी 3 सप्ताह की रोक की बात कही गई है, कोर्ट के अंदर फिर इस मामले को सुना जाना है, क्या कोई कोई तारीख दी गई हो कोर्ट की तरफ से? अभी रोक लगाई गई, उसके बाद सुनवाई कब होगी? देखिए फिलहाल जो रोक की तो बात ऑर्डर में नहीं की गई, जो कि जस्टिस मोक्ष है उन्होंने साफ क्लियर कर दिया गया है कि ये काफी टाइम से वहां पे काम कर रहे हैं, इनको आप फिर से वहीं पे लेके जाइए, ये खुद वहां पे काम करेंगे जैसे ही पहले करते थे, क्योंकि वो काफी टाइम से वहां पे काम करते हैं, उन्होंने बहुत सारी सर्विसेस होटल को दी है, लेकिन आज अचानक उनको बाहर निकालना वो कहीं ना कहीं कोर्ट के ऑर्डर को कहीं ना कहीं फैजल मानना होगा। अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है फैजल को, और ये जो आप जानकारी दे रहे हैं फैजल, वो कहीं ना कहीं पुख्ता भी है, और कोर्ट के ऑर्डर को सभी को मानना चाहिए, इसे भी माना जाएगा। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वहां पर जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि नानुकुर करी जा रही है और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, फिलहाल
आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए।